नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। आज के टॉपिक में हम लोग एसएस ग्रुप द्वारा लॉन्च किया जाने वाला लिंक्डइन फ्लोट्स के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया है। साथ ही उसमें कुछ सवालों को हमने एफएक्यूज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, ताकि उससे संबंधित सभी सवालों का जवाब हम लोग आपको दे पाए। शुरुआत करते हैं। एसएस ग्रुप अपना 17 एकड़ के अंदर लिंक्डइन फ्लोर के नाम से एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसका उन्होंने रेरा रिसीव कर लिया है। तैयारी शुरू हो चुकी है। एक्चुअल साइट के ऊपर सीवर का, वाटर पाइपलाइन का काम लगभग कंप्लीट दिखाई देता है। साथ ही कंपनी ने सैंपल की भी तैयारी करी है, जिसका काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं लोकेशन के बारे में। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? लिंक्डइन फ्लोर सेक्टर 84 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के तरफ से एक तरफ लगता है, दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेस वे लगेगा और तीसरी तरफ 84 मीटर वाइड सेक्टर डिवाइडिंग रोड 85 और 84 को जो डिवाइड करती है उसके ऊपर लगता है। इस प्रोजेक्ट के साथ से 24 मीटर की सड़क जाती है, जो इसको मेजर कनेक्टिविटी देती है सेक्टर 85 की तरफ। ये ठीक प्रोजेक्ट लीव के सामने बन रहा है। कंपनी ने इसका सैंपल तैयार कर दिया है और जिसका ढांचा तैयार हो चुका है। बाकी फाइनल फिनिशिंग अगले 10 से 12 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। इसके अंदर कुल 431 फ्लोर आ रहे हैं, जो लगभग 150 के करीब, 140 के करीब इसमें फ्लोर्स बनते हैं। प्रत्येक प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर्स आ रहे हैं। स्टिल्ट दिया गया है, स्टिल्ट के अंदर प्रोविजन दिया गया है 4 फ्लोर्स के लिए, चारों के लिए कार पार्किंग साइड बाय साइड, और साथ ही चारों के सर्वेंट रूम नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक फ्लोर के ऊपर 4 बेडरूम फ्लोर्स दिए गए हैं, जिसके अंदर बेहद स्पेशियस बालकनीज और चारों बेडरूम का साइज लगभग 12x15, 12x17 का रखने की कोशिश करी गई है, जो अपने आप में इसको एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट बनाती है। साथ ही ये अपने आप में एक तरीके का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें सभी सुविधाएं दी गई हैं, जो डेडिकेटेडली केवल फ्लोर्स के लिए बना गया है, जिसकी बाउंड्री वॉल होगी, जिसके अंदर बूम बैरियर लगा होगा और जो हाई राइज वाली सोसाइटी वाले फीचर हैं वो सभी इसी के अंदर समावेश करा गया है। इसके अलावा पावर बैकअप, वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी इंश्योर करी गई है। साथ ही इसके अंदर सर्व सुविधा संपन्न क्लब हाउस, जिसका एरिया लगभग 20,000 फुट के करीब का होगा, साथ ही इसमें स्विमिंग पूल का भी प्रोविजन करा गया है। आज इसके अंदर बुकिंग्स कंपनी खोल चुकी है, रेरा आ चुका है, सभी मेजर बैंकों के साथ इसका टाई अप हो चुका है। हम किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कीमत है 1 करोड़ से अधिक है, तो हम लोगों को 25% अपना भागीदारी देनी है, 75% कोई भी बैंक लोन दे देगा। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की एक और बार से। ये लोकेशन अगर हमें समझ में आती है तभी हमें निवेश करने के बारे में प्रेरणा मिलती है। ये प्रोजेक्ट जो है CPR के जहां मुहाना शुरू होता है और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का जहां अपना इंटरसेक्शन बनता है द्वारका एक्सप्रेसवे, इसे ट्राई सेक्शन कहेंगे, एक तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ से मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और तीसरा ऊपरी तौर पर उसके ऊपर से CPR सेंट्रल पेरिफेरी रोड आ रही है। वहां पर ये जो जंक्शन है उसके पास ये लोकेशन पड़ती है। अगर मैं इसे ये कहूँ कि न्यू गुड़गांव की सबसे बेस्ट लोकेशन है, तो मुझे नहीं लगता है मैं कोई गलत सूचना या गलत जानकारी दे रहा हूँ। भविष्य की बहुत तेज़ी से उभरता हुआ ये सेक्टर है, क्योंकि कारण है जो लोग उद्योग विहार या दिल्ली के किसी कोने में काम करते हैं उनको यहाँ से NH 8 के ऊपर पहुँचने में मात्र 3 मिनट का टाइम लगेगा। वहीं अगर हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के कम्प्लीट होने के बाद से 12 से 15 मिनट की दूरी दूरी को कवर करने के लिए इतना ही समय लगेगा। साथ ही जिन लोगों को इंटर स्टेट राजस्थान या अपना हिमाचल या पंजाब की तरफ जाना होता है, तो KMP से भी ये मात्र 10 मिनट की दूरी के ऊपर स्थित है। तो ये सेंट्रिक लोकेशन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आती है और जो इसको बेजोड़ बनाती है। दूसरा, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भविष्य की लाइफलाइन होगी न्यू गुड़गांव की और सबसे बेशकीमती लोकेशन होगी, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ जो सेक्टर 84 है उसके अपोजिट साइड सेक्टर 88 लगता है, जो बिल्कुल सेक्टर 29 जैसा हमारा गुड़गांव में है कमर्शियल सेक्टर, सेम उसी तर्ज पर सेक्टर 88 का विकास होना तय है। यहीं से मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ते हैं
टूवर्ड्स सेक्टर 87, जो डिस्टेंस आएगा लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का, तो उस सेक्टर 87 के अंदर पहली सरकारी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम की, उसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरी तेजी से चल रहा है। तो भविष्य में बच्चों की जरूरतों के लिए, विद्यालय की जरूरत को रखते हुए ये उस रोड को पूरा फिलफिल करेगा। ये इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दी गई है। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग साइट पर आए, सैंपल्स देखें। सैंपल की जो तैयारी करी गई है, जो सिटिंग का अरेंजमेंट करा गया है, लीफ के क्लब हाउस के अंदर रखा गया है। कुछ दिन वहाँ से अपनी शुरुआत होगी, वहाँ से आप लोगों से मिलना जुलना होगा और कंपनी वहाँ से आपको सैंपल का भी विजिट कराएगी और अलॉटमेंट की भी चॉइस के द्वारा दी जाएगी। अब वापस लौटते हैं FAQs के बारे में। तो मैं वन बाय वन उस FAQs के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं FAQs की। सबसे पहले आता है कि SS ग्रुप एक नया ग्रुप है या कोई पुराना ग्रुप है। तो SS ग्रुप ने आज तक क्या डिलीवर करा है। SS ग्रुप लगभग 2004 से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। इनकी शुरुआत हुई थी मेफील्ड गार्डन ओपल साउथ एंड सिटी के बाद से होती हुई जर्नी। इनकी प्लेडिन फ्लोर्स के बारे में आई, लिलैक फ्लोर के बारे में आई, उसके बाद न्यू गुड़गांव के अंदर उन्होंने अपना विस्तार करा। न्यू गुड़गांव के अंदर ये 3 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जो SS कोरलवुड, SS अल्मीरिया फ्लोर और अभी बिल्कुल ताज़ा इन्होंने पोजीशन दिया है, पार्शल पोजीशन दे दिया है SS द लीफ के अंदर दे दिया है। साथ ही इनके रिमार्केबल कमर्शियल सेक्टर भी हैं, जैसे कमर्शियल के अंदर बात करेंगे अपना SS लीव और SS प्लाजा के नाम से इनका सेक्टर 47-49 के बीच में बेहद खूबसूरत लोकेशन के ऊपर कमर्शियल है। साथ ही न्यू गुड़गांव के अंदर हाई पॉइंट और SS ओमने की डिलीवरी कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हिबिस्कस नाम से एक इनका लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, जो गुड़गांव के चुरिंदा लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर अपना एक स्थान रखता है। दूसरा सवाल, क्या ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। प्रायः ये भी सवाल आता है। ये प्रॉपर्टी पूर्ण तरीके से फ्री होल्ड है और यहाँ हरियाणा के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी लीज होल्ड पर नहीं आती है। ये पूरी की पूरी फ्री होल्ड है, यानी आप पूरे मालिकाना हक इसका स्वयं रखेंगे। क्या ये लो डेंसिटी है या हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है और इसके अंदर कितनी मीटर चौड़ी सड़कें होंगी। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है, ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। प्रत्येक एकड़ के अंदर 6 प्लॉट का लगभग इसमें प्रोविजन करा गया है, तभी 17-18 एकड़ के अंदर मात्र 431 फ्लोर आ रहे हैं और इसके अंदर सभी सुविधाएं रखी गई हैं। ये औरों से अलग रखा जाएगा। इसके बाद सवाल आता है प्रोविजन ऑफ कार पार्किंग। जैसा हमने देखा है, हाई डेंसिटी वाले प्लॉट्स के अंदर कार पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या महसूस देती है, जिसमें बैक टू बैक 3 कार पार्किंग लगती हैं, चौथी साइड में लगती है। लेकिन यहाँ पर हमारा फ्रंटेज इतना बड़ा है कि हम लोग 4 कार पार्किंग बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अंदर प्लॉट के एरिया के अंदर ही स्ट्रीट के अंदर लगाएंगे, जिससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। किसी को कभी भी जाना है अपनी कार बाहर निकालें और अपना काम निपटा के वापस पार्क कर दें। साथ ही कार के अंदर नीचे स्ट्रीट में इतना बड़ा स्पेस है, ऑफिशियली रिकॉर्ड पे कंपनी आपको 1 कार पार्किंग उसमें लिख के दे रही है, लेकिन पीछे भी हम उसके पीछे अगर अपनी दूसरी कार लगाना चाहें तो दूसरी कार भी हम आराम से पार्क कर सकते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली 2 कार पार्किंग का प्रोविजन करा गया है। 5वां सवाल है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। इसमें कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करा गया है, क्या इसमें माइवन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें माइवन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि माइवन टेक्नोलॉजी बड़े स्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आती है। छोटे स्ट्रक्चर को वही पुराने ढर्रे से बनाया जाता है, जिसके अंदर पिलर्स, बीम्स और साथ में ब्लॉक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई किसके हाथ में रहेगी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, न्यू गुड़गांव के अंदर वाटर की सप्लाई के लिए पूरी लाइन डल चुकी है, खास करके इस एरिया में कई बार टेस्टिंग भी हो चुकी है। हालांकि अभी सरकारी तरफ से कोई भी पानी की सप्लाई किसी भी सोसाइटी में नहीं दी जा रही है, तो फिलहाल के तौर पर यहाँ पर टैंकर्स और अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन इंस्टॉल्ड है, लीफ के साथ में लगता हुआ इंस्टॉल्ड है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसके आसपास का अगला सवाल आता है, इसके आसपास का नियर बाय हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और स्कूल्स कौन कौन से आएंगे, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले पीछे SS अल्मीरिया और SS कॉरलवुड के साथ में लगता हुआ जितना भी कॉमर्शियल स्पेस है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, जो SS ग्रुप ने ही बनाया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर भी 1 एकड़ का कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसका विकास बाद में ये करेंगे। साथ ही यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर SS ओमनिया और त्रेहान का कमर्शियल मॉल है जिसके अंदर हल्दीराम, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज और अदर बहुत सारे मेजर प्लेयर्स हैं। इधर की तरफ चलते हैं हम, सेक्टर 83 की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर हमारा सफायर मॉल 83 आता है या वाटिका सिटी सेंटर आता है। कुल मिला के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 5 से 8 मॉल हमारे इसके आसपास लगते हैं जो ऑपरेशनल हैं। साथ ही अगर हम स्कूल के बारे में बात करें, DPS 84 बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है। साथ ही 17 अलग नए बड़े नामचीन स्कूल इसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, जिसमें सेंट जेवियर, मैत्री किरण और आपका दूसरे और भी अदर स्टेब्लिश स्कूल इसके अगल बगल में हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अभी RV हॉस्पिटल यहाँ पूरी तरीके से ऑपरेशन हो गया है, जो लगभग इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। साथ ही एक और हॉस्पिटल का निर्माण बहुत तेज़ी से पूरा होने की ओर अग्रसर है, वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर पब्लिक को सर्व करेगा, उसका भी डिस्टेंस लगभग 3 से 3 किलोमीटर का यहाँ से पड़ेगा। 8वां, क्या ये गेटेड कम्युनिटी है और पावर बैकअप का क्या प्रोविज़न रखा गया है? बिल्कुल इसका गेटेड कम्युनिटी है, पूरे 17 एकड़ की 4 दीवारी का काम जोर शोर से चल रहा है, जो मौके पर देखा जा सकता है, डेडिकेटली फ्लोर के लिए है। पावर बैकअप का प्रोविज़न इसमें रखा जाएगा जिसकी कीमत हम लोग उसमें चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद सवाल आता है मेंटेनेंस इशू और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा, तो मेंटेनेंस के बारे में बताना चाहूँगा। शुरुआत अगर हम लोग मेंटेनेंस की बात करते हैं तो पहले 2 या 3 साल बिल्डर अपने पास रखता है, बाद में जब RWA बन जाने के बाद ये सारा का सारा काम और डिसीजन सक्षम RWA लेगी किसके द्वारा कराना है, थर्ड पार्टी इसके अंदर अपॉइंट करी जाती है, ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद लैंड टाइटलशिप, अगर हम 4 मालिक हैं 4 फ्लोर के अंदर, कल को कोई आपदा आती है, किसी कारण से कोई नुकसान होता है, तो क्या हमारा ज़मीन में भी टाइटलशिप होगी? जी हाँ बिल्कुल इसमें होगी, आप उसके अंदर प्रोपोर्शनेट शेयर में बराबर के हकदार होंगे। 4 फ्लोर हैं तो नीचे 4 फ्लोर के मालिक हम ही लोग होंगे, उसके अंदर कोई दिशा नहीं खुली होगी, किसी कारण से कोई बिल्डिंग गिरती है, कोई दुर्घटना होती है, इसका एक हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस करा के रखते हैं जिसमें इस प्रकार की चीज़ को कवर कर जाता है और 4 फ्लोर हमारे को बना के दिया जाएगा। इसके अलावा जो चार्जेस बताए जाएंगे, क्या इसके अलावा इसमें कोई एडिशनल चार्जेस भी आएंगे? कंपनी जो भी चार्जेस दे रही है, जो आज की तारीख में बताएगी, आगे बताएगी, उसके अलावा केवल 2 खर्चे और छूटेंगे, जिसके अंदर IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी चार्जेस जो कि लगभग 50,000 रुपये और पोजिशन चार्जेस जिसका कुल कीमत का निर्धारण 75,000 रुपये करा गया है, यानी जो भी रेट मेंशन करे जाएंगे उसके अलावा 1.25 लाख रुपये का खर्चा आपका और एक्स्ट्रा आएगा, साथ ही रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी का खर्चा एक्स्ट्रा रहेगा। क्या कंपनी जब लॉन्च करेगी इसके ऊपर कुछ इनोग्रल डिस्काउंट देगी? जैसा कि हमारी बातचीत कंपनी के अधिकारियों से हुई है, तो पहले 100 फ्लोर्स के ऊपर 5 लाख रुपये का इनोग्रल डिस्काउंट कंपनी देगी। इसका टारगेट डेट क्या है कंप्लीशन का? जो कंपनी ने रेरा के अंदर अप्लाई करा है उसके अंदर लगभग 4 साल का टाइम निर्धारित करा गया है, लेकिन जिस रफ्तार से वहां पर विकास कार्य चल रहा है और जो कंपनी के अधिकारी से बातचीत हुई है, तो उनका जो दिमाग के पीछे काम चल रहा है 18 से लेकर 24 महीने का टारगेट लेके वो चल रहे हैं, और उसी प्रकार का इन्होंने पेमेंट प्लान बनाया है। पेमेंट प्लान 25, 25 और 50% रखा गया है। 25% 45 दिन में देना है, 25% सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पर देना है, बाकी रिमेनिंग 50% लगभग हमारा ऑन एप्लीकेशन ऑफ OC, ऑन रिसीविंग ऑफ OC के बीच में देना है। तो एक बेहद फ्रेंडली इन्होंने पेमेंट प्लान बनाया है। क्या इसके अंदर हम लोग प्रीमियम की उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये रेट महंगे हैं और उसके बावजूद भी प्रीमियम आएगा? तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसे मैंने सबसे आखिर में उठाया है।
हमने अपने 2006 के अंदर जर्नी शुरू करी थी रियल एस्टेट के अंदर। जिस भी लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो हमेशा महंगा महसूस देता है। जैसे 2008 के अंदर वाटिका ने प्लॉट्स लॉन्च किए थे 15,000 रुपये गज के पर प्लॉट लॉन्च किए थे सेम लोकेलिटी के अंदर, जबकि शहर के अंदर हुडा के अंदर 23 से 24 हज़ार रुपये गज के अंदर प्लॉट आराम से मिल रहे थे। तो लोगों की जानकारी थी और हमें भी खुद सहसा मालूम हुआ कि हाँ ये तो 15,000 रुपये गज बेहद महंगा है, शायद ही बिक्री सुनिश्चित होगी। लेकिन समय के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं हुडा के सेक्टर्स का रेट लगभग 1,60,000 रुपये गज पहुँचा है, आज वही वाटिका का रेट 90,000 से 95,000 रुपये गज का हो गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें चाहे कितनी ही मंदी रही है 10 साल के सफ़र के अंदर या 12 साल के सफ़र के अंदर वाटिका के प्लॉट 6 गुना हो गए हैं प्लॉट्स के अंदर। और उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भी हम लोग ऐसे तेज़ी देखेंगे क्योंकि नए कॉन्सेप्ट के साथ कोई चीज़ें आ रही हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से अपने आप नया चीज़ नया कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट करता है। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, मार्च महीने के अंदर इसी साल के अंदर हम लोगों ने DLF के फ्लोर्स के बारे में काम किया था, तब भी लोगों को काफ़ी महंगा लगा था। आज वास्तु स्थिति ये है कि DLF के फ्लोर्स के लिए रीसेल मार्केट शुरू हो चुकी है, लोकेशन के हिसाब से 5 लाख से 15 लाख रुपए का प्रीमियम उनके ऊपर भी आ चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रीमियम के हिसाब से भी इन्वेस्टर के लिए एक ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, साथ ही एंड यूजर के लिए तो ये मैचलेस चीज़ है क्योंकि इस भाव के अंदर 4 बेडरूम विद सर्वेंट रूम कहीं भी शायद मेरे हिसाब से एक अच्छे सोसाइटी के अंदर आज ढूंढना मेजर टास्क है। आज का अध्याय मैं यहीं ख़त्म करता हूं और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, आपके कोई और भी सवाल हो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में कवरेज चाहिए वो भी आप हमारे को पूछ सकते हैं ताकि हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करके आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे जाए। हमारा जो वस्तुतः कार्य क्षेत्र है गुड़गांव है या दूसरा अदर पोटेंशियल वाला एरिया जिसे हम फरीदाबाद मानते हैं उसके बारे में हमारा फोकस रहता है। कुछ लोग सोना को लेके बहुत पॉजिटिव है, उसके बारे में मेरी राय मेरी अपनी खुद की राय नकारात्मक है, जिसके बारे में हम लोग पर्सनली बात कर सकते हैं, वीडियो पर बात करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।